नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महासचिव, मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के इंचार्ज जयराम रमेश जी के साथ हैं। और जयराम रमेश जी से ये चर्चा करेंगे कि अब तक लोकसभा के 6 चरणों पे वोटिंग हो चुका है और आखिरी चरण के लिए कल मत पड़ना है, और ख़ासतौर से पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में जो वोटिंग होनी है उसको लेकर किस तरह से तैयारी है, और अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी क्या अपनी रणनीति में कितना सफल हुई है, कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी क्या आम लोगों तक पहुंचा पाए हैं। हमारे साथ जयराम रमेश जी, सबसे पहले दैनिक सवेरा में सर आपका स्वागत है। नमस्कार। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और शुरुआत से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो आप लोगों का असेसमेंट क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो चुनाव से पहले 400 का एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आज की तारीख में कहां तक पहुंच पाए? 486 सीटों में चुनाव हो चुका है और पहले 2 चरण के बाद ही हमें पता चल गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में बीजेपी हाफ। तो अब तो बिल्कुल तय हो गया है कि 4 तारीख को ये तो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और स्पष्ट और निर्णायक जनादेश इंडिया जनबंधन को मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र ऐसे राज्य थे, हरियाणा ऐसे राज्य थे जहाँ बिल्कुल कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दलों का बिल्कुल सफाया ही हो गया था, पूरी हिंदी पट्टी से बिल्कुल चले गए थे। हिंदी पट्टी नहीं, दक्षिण पट्टी पर भी हम चले गए थे ना। कर्नाटक में 28 सीट में से एक ही सीट मिला था, तेलंगाना 17 में से हमें 3 मिला था, सिर्फ केरला और तमिलनाडु ने हमें बचा लिया दक्षिण भारत। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कोई बालाकोट नहीं है, इस बार कोई लहर नहीं है, इस बार नाराजगी है, खास तौर से जो चरण बाकी हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तो किसानों का मुद्दा है, किसान संगठनों ने आंदोलन चलाया है पिछले 4 सालों से, 700 से ज़्यादा किसान और शहीद। और 700 से भी ज़्यादा शहीद हुए, और जो वादे किए गए थे निवर्तमान प्रधानमंत्री ने, जो वादा किया था 19 नवंबर 2021 को MSP को लेकर, कर्जा माफी को, वो पूरा नहीं हुआ, तो नाराज़गी है। तो और जो जब ये 400 पार का नारा लगाए थे तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने उसको जवाब दिया, इसके पीछे राज क्या है, इसकी हकीकत यह है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि ये आरक्षण के खिलाफ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और हम सब इतिहास जानता है कि 1949 से RSS, गोलवालकर, दीनदयाल उपाध्याय, सभी लोग, पहले RSS, बाद में हिंदू महासभा, बाद में जनसंघ और जो बीजेपी बना, सारे के सारे नेता सब लोग कह रहे थे ये मनुवादी आदर्शों पर आधारित नहीं है, मनुवादी मूल्य इनमें दिखाई नहीं देते, प्रेरणा नहीं है। तो हमने वो जवाब दिया, तब प्रधानमंत्री 400 पार की बात उन्होंने बंद कर दी, ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा। बाद में उन्होंने अपने 56 इंच की छाती को थपथपा कर मोदी की गारंटी, मोदी, वो मोदी की गारंटी भी चली गई। तब असली बात तो 19 तारीख के बाद हमको देखने को मिला, प्रधानमंत्री की भाषा ही बदल गई, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, मटन, मछली, आप को जो कुछ पूछेगा, जो सब तो एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की ना, पंजाब में गए, हिंदू, सिख, सिख मुस्लिम, सारा का रणनीति बदल गया उनका पहले 2 चरण के बाद, क्योंकि वो जान गए कि उनका उनका प्रचार का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई लहर नहीं है, कोई घर घर मोड़ी, घर घर मोड़ी, हर हर मोड़ी, ऐसा कोई नहीं है। तो उन्होंने अभी सांप्रदायिक रंग, सांप्रदायिक भाषा, हमारे घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना, तो भोकड़ा गए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव जो था, इस बार कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के नैरेटिव को बनने नहीं दिया अपने? इस बार हमने क्रिकेट उनके पिच पर नहीं खेला। 2014 में और 2019 में गलती से हम क्रिकेट उनके पिच पर खेलने लग गए, इस बार हम अपने पिच पर खेल रहे। उन्होंने पिच तैयार करने की कोशिश की, एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, पर हमने हटे नहीं। खड़गे जी ने कहा बिल्कुल मत हटो,
राहुल जी ने कहा बिल्कुल मत हटो, और हमारी ये सारी हमारा सारा प्रचार जो है संविधान को लेकर है और 5 न्याय 25 गारंटी को लेकर है, बस इन दो मुद्दों को लेकर ही हमने अपना प्रचार चलाया है। और मैं समझता हूँ, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, पर कहना पहली बार कांग्रेस पार्टी विचारधारा के आधार पर हम लड़े, जो पिछले कुछ दशकों से नहीं, थोड़ा दिखाई नहीं देता था, पर भारत जोड़ो यात्रा का असर है, भारत जोड़ो ये जो 5 न्याय 25 गारंटी हवा से तो नहीं आया ना, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये कोई हम बंद कमरे में बैठकर हमने नहीं सोचा 5 न्याय 25 गारंटी, ये तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से निकला है ना। अलग अलग राज्यों में हम गए, झारखंड गए, छत्तीसगढ़ गए, पश्चिम बंगाल गए, 6,500 किलोमीटर लंबा मणिपुर से मुंबई तक और 4,000 किलोमीटर लंबा पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, उनसे ही ये निकला ना 5 न्याय 25 गारंटी कि ये जनता की चिंता है, मन की बात नहीं है। तो मैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारा इस बारी एक सकारात्मक एजेंडा है, एक आक्रामक एजेंडा है, और हम उनके ट्रैप में नहीं फंसे। वो हमेशा वो हिंदू मुस्लिम कहा करते थे, हिंदू मुस्लिम आरक्षण की बात से उन्होंने क्या कहा कि ये आरक्षण के खिलाफ हैं क्योंकि ये धर्म के आधार पर आरक्षण, हमने उसका खंडन किया कि कर्नाटक में हम सिर्फ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही आरक्षण दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री को स्वीकारना पड़ा और खुद प्रधानमंत्री ने ANI को टेलीविजन इंटरव्यू में कहा मैंने मुसलमान जातियों को आरक्षण दिया है, केंद्रीय OBC के सूची में मैं मुसलमान जाति को मैंने शामिल कराया है। तो वो क्यों, जो वो करते हैं सही है, जब हम करते हैं धर्म के आधार पर करते हैं तो पकड़े गए ना। तो हमें हम लोग बार बार अडानी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर हमने अडानी JPC होगा, अंत में प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ा, प्रधानमंत्री के मुंह से खुद पता नहीं क्या कोई रणनीति थी, क्या इतने घबराए हुए थे, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कैसे ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि अडानी और अंबानी एक टेम्पो गाड़ी भी नहीं, एक टेम्पो नहीं पैसा नहीं टेम्पो भर के काले धन के बोरी कांग्रेस अजय माकन तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आज ऑन रिकॉर्ड ये बता दीजिए, क्या इन दोनों व्यक्तियों का जिन्होंने जिनका नाम लिया, क्या उनकी तरफ से इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई फंडिंग नहीं? वो मुझे पता नहीं, वो तो सिर्फ हमारे कोषाध्यक्ष जाने, हमारे अध्यक्ष जाने, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री को इन दो पूंजीपतियों का नाम लेना, और ये प्रधानमंत्री हैं जो 8 नवंबर 2016 को टेलीविजन पर आकर क्या कहा उन्होंने, मित्रों नोटबंदी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि काला धन खत्म करना चाहता हूँ, और वही काला धन 8 साल बाद टेम्पो में आता है और कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आता है, तो ED की कार्रवाई क्यों नहीं कराते आप, CBI की कार्रवाई जांच क्यों नहीं कराते आप? मैं तो रोज मांग कर रहा हूँ, 24 दिन हो गए, मैं आज भी मैंने प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री से पूछा है क्या आप ED की कार्रवाई कराएंगे कि नहीं, ये काला धन कहाँ से आया, ये टेम्पो कहाँ से आया? तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, तो ये नाटकबाजी हो रहा है, मेडिटेशन के लिए चले गए। मैं उस सवाल पे आऊँगा, लेकिन एक सवाल, चूँकि कल चुनाव होना है, खासतौर से पंजाब में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार, BJP क्लेम करती है कि अगर इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि 6 बाई इलेक्शन भी हो रहा है वहाँ पे, अगर आप लोग हार जाते हैं तो सरकार चली जाएगी। नहीं, हमारी हम हिमाचल की सरकार, हमें इन 6 में से हमें न्यूनतम 4 मिलने वाले हैं, 6 में से हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हालांकि गिराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और जयराम ठाकुर लगे हुए हैं, हालांकि मेरी बदनसीबी है कि उनका नाम भी जयराम ठाकुर है और कभी कभी अखबारों में मेरा फोटो आ जाता है और जयराम ठाकुर नाम आ जाता है, ये कन्फ्यूजन रहता है, पर वो प्रयास पंजाब में मैं कहना, मैं खुद पंजाब में गया था 4-5 दिन, मैंने देखा है किसान बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उनकी तो दो या तीन मांग है, एक तो MSP को कानूनी दर्जा दो जो हमने गारंटी दी है, दूसरा कर्जा माफ़ी जो 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था, 72,000 करोड़ रुपया, इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया है पर किसानों को कर्जा माफ़ नहीं किया है, और तीसरा मांग जो था किसान संगठनों का कि किस आधार पर आप MSP तय करोगे,
कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि संपूर्ण खेती की लागत उसको डेढ़ गुना बढ़ाओ और उस स्तर पर MSP लागू करो, उसकी गारंटी हमने दी है। और देखिए कुछ ही 5 दिन पहले खास तौर से ये पंजाब के किसानों के लिए बड़ा खतरा है, सिर्फ 5 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की ओर से, यहाँ केंद्रीय सरकार की ओर से सारे सचिवों को एक खत गया है कि जो किसान पराली जलाते हैं उनको MSP लागू नहीं होना चाहिए। तो पूरा हरियाणा और पंजाब के किसान इसमें है। पराली क्यों जलाते हैं? पराली मजबूरी से जलाते हैं ना, वो ऐसा क्यों नहीं जलाते? प्रदूषण करने के लिए तो नहीं जला रहे, अपने हित, उनको जलाना ही पड़ता है और कोई विकल्प ही नहीं है। और अभी केंद्र सरकार ने सचिवों को लिखा है कि अब पराली जलाने वाले किसानों को पहचानिए और उनको MSP मत लागू होने दीजिए। ये बहुत बड़ा कदम है और ये किसान तो पंजाब और हरियाणा में तो सारे किसान को MSP मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी अगर इस तरह की अगर ये नीति अगर ये वापस आए। लेकिन जनाब सर एक चीज है, पंजाब में जो मतदाता है वो इस बात से कंफ्यूज है, चंडीगढ़ में अलायंस, दिल्ली में अलायंस, पंजाब में किसको वोट दे? नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ इसका जवाब बहुत स्पष्ट है, सरल भी है। हमें जनादेश मिला विपक्ष में बैठने के लिए, पंजाब में मुख्य विपक्ष पार्टी हम हैं, BJP नहीं। दिल्ली में हम विपक्ष पार्टी नहीं है, हम तीसरे नंबर पर हैं। मुख्य विपक्ष पार्टी कौन है यहाँ? BJP है ना। तो ये बात सही नहीं है, जहाँ हम विपक्ष की पार्टी हैं उनके साथ हम मिल जाएं, उनके साथ हम चुनाव लड़ें। केरला में क्या है, कहाँ लड़ाई हो रही, किससे हम लड़ रहे हैं केरला में? BJP से नहीं, वामपंथियों से लड़ रहे हैं। पर वामपंथी हमारी इंडिया जनबंधन के अलायंस है ना, कर्नाटक में हम उनके साथ हैं, तमिलनाडु में उनके साथ हैं, पश्चिम बंगाल में हम इसके साथ हैं। अच्छा आप पूछ सकते हैं पश्चिम बंगाल में क्यों साथ हैं? पश्चिम बंगाल में हम वामपंथियों के इस साथ इसलिए हैं क्योंकि अभी BJP मुख्य विपक्ष पार्टी बन गई है। मैं समझ गया, तो पंजाब में हम मुख्य विपक्ष पार्टी हैं। जनता को कैसे कन्विंस कीजिएगा, क्योंकि बार बार BJP या अकाली दल यही कहती है कि देखो दिल्ली में साथ है, बगल में एक रेड लाइट बात नहीं, नहीं चंडीगढ़ शुरू होता है वहाँ साथ है, ये कोई नई चीज नहीं है जी। UPA 1 में, UPA 2 में वामपंथियों में, आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, पश्चिम UPA 1 में हम पश्चिम बंगाल में हम वामपंथियों के खिलाफ हम लड़े, पर वही वामपंथी हमको हम मनमोहन सिंह जी की सरकार को समर्थन दिया। तो ये बात राज्यों में अलग है, केंद्र में अलग है। इंडिया जनबंधन विधानसभा के लिए नहीं है, इंडिया जनबंधन लोकसभा के लिए है। लोकसभा में मकसद एक ही है, BJP को हटाना है, प्रधानमंत्री को 4 तारीख को अलविदा करना है। अच्छा एक चीज़ बताइए जयराम सर कि आप खुद भी कह रहे थे कि पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस पार्टी ने वैचारिक लड़ाई उस कन्विंसिंगली उतनी मजबूती से नहीं लड़ा, इस बार का गेम चेंजर क्या है? अगर जनता और ऑडियंस ये समझना चाहे कि जो विश्वास आप लोगों के अंदर है कि 4 तारीख के बाद इंडिया जनता, गेम चेंजर भारत जोड़ो यात्रा था, उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया, 150 दिन का भारत जोड़ो यात्रा, 63 दिन का भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और मैं समझता हूँ गेम चेंजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। गेम चेंजर राहुल जी के लिए भारत जोड़ो यात्रा था, ठीक है, जो पहला था। हाँ वो उनके लिए गेम चेंजर था क्योंकि असली राहुल गांधी जी सड़क पर आए और लोगों ने देखा असली राहुल गांधी कौन है। पार्टी के लिए गेम चेंजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकला, पार्टी के लिए, क्योंकि ये 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम जो बना ना वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय बना। तो भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तनकारी था राहुल जी के लिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा परिवर्तनकारी है संगठन के लिए, क्योंकि संगठन को एक एजेंडा मिला, एक नैरेटिव मिला, नहीं तो हम किस आधार पर जाते हैं? 10 साल अन्यायकाल हम मंत्र बोलते जपते, पर लोग हमें पूछते आप क्या कह रहे हो, विकल्प क्या है? तो हम ये कह रहे हैं अभी 5 न्याय 25 गारंटी। एक सवाल, एक सीट है हिमाचल में मंडी, आपने सुना होगा उस सीट पे एक अभिनेत्री चुनाव लड़ रही हैं, आपके वीरभद्र सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य लड़ रहे हैं, ऊर्जावान है, नौजवान है। उस सीट को लेके काफी लोगों की दिलचस्पी भी है और काफी कैंपेन हो रहा है उस सीट को, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गए,
क्या उम्मीद है उस सीट पे, आपको क्या लगता है कि एक सीट हमारे लिए युवा नेता में, अरे हर एक सीट हमारे लिए मतलब कांगड़ा में हमारे वरिष्ठ साथी आनंद शर्मा जी लड़ रहे हैं, तो सभी सीट हमारे लिए महत्व रखते हैं। बड़े अनुभवी नेता हैं आनंद शर्मा जी, बड़े लंबे अरसों से वो कांग्रेस संगठन में उनका योगदान रहा है, इस बार लोकसभा लड़ रहे हैं। हमारे लिए सभी सीट, हमारे लिए सभी सीट महत्व, लुधियाना, मैं खुद लुधियाना गया था क्योंकि हमारे लिए वो प्रेस्टीज का सीट है, क्योंकि गद्दारों को भी हमें हराना है ना, कुछ सीटों में हमारे गद्दार भी खड़े हो गए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक और चीज़, हरियाणा में 10 उम्मीदवार बीजेपी के, 6 कांग्रेस पार्टी के थे। पंजाब में भी यही है, पंजाब में कई सीटों, 70% आपकी पार्टी कांग्रेस की बीजेपी में, तो सभी सीट हमारे लिए महत्व रखता है। हाँ ठीक है, ये बॉलीवुड की वजह से मंडी को थोड़ा एक्स्ट्रा पब्लिसिटी मिल जाता है, और वहाँ के बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं अभिनेत्री, मशहूर अभिनेत्री, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है तो हेडलाइन बन जाता है। पर हमारा ऊर्जावान है, नौजवान है, ताकतवर है, PWD मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ विक्रमादित्य जरूर उनकी जीत होगी। पंजाब में क्या रहेगा इस बार, क्योंकि लड़ाई तो देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, पंजाब में हम चोटी पर पहुंच चुके थे 2019 में, आपको याद होगा। बाकी राज्यों में सफाया हो गया था, पर पंजाब और केरला हम ऊपर स्तर पर पहुंच गए थे, बहुत अच्छी पर उसके बावजूद हमारा प्रदर्शन पंजाब में भी बहुत मजबूत होगा। क्यों? कारण यह है कि किसान और किसान संगठन जान गए हैं कि एकमात्र पार्टी जो गंभीरता से लेती है किसान संगठनों की मांग, और लगातार हम एक साल से कह रहे हैं, लगातार MSP के बारे में, कर्जा माफी के बारे में, आयात और निर्यात नीति के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो किसानों का मुद्दा जिस तरीके से राहुल जी ने उठाया, खड़गे जी ने उठाया, हमारे वहाँ के नेता राजा वारिंग, बाजवा जी, सब लोगों ने उठाया, मैं समझता हूँ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस क्या ये, देखिए एक मुद्दों को एड्रेस किया आप लोग, क्योंकि इन दोनों राज्यों में, चूँकि हमारा चैनल भी है और हम लगातार एक एक संसदीय क्षेत्र में गए, किसान, नौजवान और महिलाओं का सम्मान, पहलवान राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। तो ये तीन मुद्दे, क्या आप लोगों को लगता है कि इन तीन मुद्दों पे आप लोगों ने भाजपा को कॉर्नर किया? क्योंकि देखिए पंजाब के संदर्भ में तो ये है कि भीतरघात जिसको कहते हैं, वो चूंकि आपकी पार्टी के स्टॉलवर्ड नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके और जयवीर शेरगिल तक, और तमाम ऐसे लोग जो रवनीत बिट्टू और सुनील जाखर, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के पंजाब के चेहरे थे, वो सबके सामने तो उसका नुकसान कहीं आपको लगता है? नहीं, नए हिमाचल में अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब में अग्निवीर भी मुद्दा है, किसान भी मुद्दे हैं, और बेरोजगारी तो सभी राज्यों में मुद्दा है। तो हाँ ये बात सही है, कई हमारे नेता पंजाब में छोड़कर चले गए, हरियाणा में भी एक दो लोग निकल कर उनको, जो आज बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे बड़े दिग्गज नेता चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री चले गए। मायूसी तो होती है, उदासी होती है, पर देखिए ये लोग मजबूरी में चले गए हैं। कुछ लोगों को वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है, कुछ लोगों को धमकी दिया जाता है, डराया जाता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको महत्वाकांक्षी, वो समझते हैं कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो सिर्फ बीजेपी में वो पूरा हो सकता है, तो मायूसी है। चंडीगढ़ सीट को लेकर क्या कहेंगे? चंडीगढ़ में पवन कुमार बंसल जी को टिकट नहीं दिया, मनीष तिवारी जी को मनीष, मैं पवन जी से मेरी लंबी बातचीत हुई, पवन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सहयोगी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, मैं खुद उनके घर गया था 4 दिन पहले, 1 घंटा में 1.5 घंटा में उनके साथ रहा, वो खुद ही कह रहे थे यार देखो मैं 8 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, 4 जीता हूँ, 4 हारा हूँ, तो मैं अभी 76 साल का हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरा वक्त अभी नए उम्मीदवार, हालांकि मनीष भी ऐसा देखा जाए तो नया नहीं है क्योंकि उनका अनुभवी है, वो मंत्री भी रह चुका है, पर
उनकी कोई ब्लेसिंग है, साथ नहीं है वो कोई नहीं। मेरी लंबी बात हुई उनसे, वो जब प्रियंका जी की रैली हुई, वो प्रियंका जी के बगल में मौजूद थे, मंच पर थे, प्रियंका जी के बगल में बैठे हुए थे, यहाँ मनीष तिवारी जी बैठे हुए थे। नहीं पवन जी ठीक है, वो ऐसा ही होता है यार। देखो 8 चुनाव आप लड़े हो, 8 चुनाव 1991 से आप चुनाव लड़ रहे हो, 4 चुनाव जीते हो, 4 चुनाव हारे हो, कैबिनेट मंत्री रह चुके हो, कोषाध्यक्ष रह चुके हो, कुछ हाँ ठीक है, मुझे कुछ उम्मीदें हुई होंगी, पर मैं अभी मैं समझता हूँ चंडीगढ़ में मनीष तिवारी की स्थिति बहुत मजबूत है। एक सवाल सर, कल बड़े प्रभावशाली उम्मीदवार भी हैं। एक सवाल सर, कल डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कल एक ओपन लेटर लिखा पंजाब के लोगों के लिए, और वैसे भी उसमें बहुत सारी बातें थी। खास तौर से जो जिक्र है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के ऑफिस को जिस तरह से डिमीन किया है वर्तमान प्रधानमंत्री ने, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, और एक जो अपील है पंजाब के लोगों के लिए, आपको लगता है कि ये प्रभाव होगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बीमार प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का वोट के लिए आप लोग फायदा उठाने के लिए। नहीं नहीं, मनमोहन सिंह जी बीमार, बिल्कुल बीमार नहीं है। अगर बीमार है तो नरेंद्र मोदी, मानसिक बीमारी उनको है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और पहले से तो ये झूठ जीवी हैं, पर इस बार वो तो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मनमोहन सिंह जी मजबूरी में उनको ये खत लिखना पड़ा, उनको कोई किसी ने नहीं कहा कि आप खत लिखिए। हालांकि अभी वो रिटायर हो चुके हैं, राज्यसभा के सांसद नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं, रिटायर हो चुके हैं, 92 साल के हैं। 1932 में उनका जन्म हुआ था, तो इस साल वो 92 होंगे। पर वो नहीं, मजबूरी में। देखिए जो आदमी, जो व्यक्ति 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो जब वो देखते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिस बिल्कुल जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, जिस तरीके लोगों को बदनाम करते हैं, सभी विरोधियों को बदनाम करते हैं, प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति में विश्वास रखते हैं, हम सबको प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो पोजीशन है, भारत का प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, एक गौरव। पर जब व्यक्ति गौरवता को संभालता नहीं है, जो व्यक्ति नीचे स्तर पर गिर जाता है, कैसे हम उसको सम्मान कर सकते हैं, बताइए। प्रधानमंत्री को सम्मान कमांड करना चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने वो तो मीडिया अटेंशन है, मेडिटेशन नहीं, मीडिया अटेंशन है, मेडिटेशन नहीं है वो, मीडिया अटेंशन है। ये सब लोग जानते हैं यार, ये प्रधानमंत्री को, ये कैमरा जीवी हैं, झूठ जीवी हैं, बस दो ही जीवी हैं। किसानों को इन्होंने क्या कहा आपको याद है? 20 सितंबर 2020 को जब काले कानून पारित हुए, लोग राज्यसभा में ये किसान जो आंदोलन में बैठे हैं ये आंदोलन जीवी हैं, ऐसा बदनाम किया। पर ये तो अभी कैमरा जीवी हैं और झूठ जीवी हैं। गांधी जी को लेकर एक अरे बाप रे, क्या कहे, रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म से पहले कोई गांधी जी को जानता नहीं, और उसमें भी ये कहा गुजरात के दंगे के पहले कोई नरेंद्र मोदी को जानता था, ये बताइए, ये जवाब दे दीजिए। और ये कहना कि 1982 में एटनबर्ग का फिल्म था, आइंस्टाइन ने क्या कहा था गांधी, 1930 के टाइम, जो टाइम मैगजीन है, 1930 के जब दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी सब लोग जानते थे गांधी जी के बारे में, ठीक है, पर दांडी जो नमक सत्याग्रह हुआ ना, उससे विश्व भर में गांधी, घर घर में उनका नाम पहचान गया 1930 से। पर साउथ अफ्रीका गांधी, गांधी कब बने गांधी जी, सत्याग्रह कहाँ शुरुआत की उन्होंने, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। ये तो ये आरएसएस का इतिहास है ये, और ये तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये क्या है पता ही नहीं है, एक शब्द एंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए वो डिग्री कहता है। इनके साथ कौन पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, क्या पढ़ा है, क्या मालूम। आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें आप लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि कितने सारे सवाल पूछे, क्या जवाब मिला, कितने जवाब, कुछ नहीं मिला,
बिल्कुल एक सवाल, जब कहीं निवर्तमान प्रधानमंत्री जाया करते थे अपने प्रचार के लिए, हम 3 सवाल उनसे पूछा करते थे। पिछले 72 दिनों में 272 सवाल हमने पूछे हैं। आखिरी उनका जो पब्लिक रैली था होशियारपुर में था, उनको होशियारपुर को लेकर भी मैंने 3 सवाल उनसे किया, उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। पर एक दिन मैंने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी कंसीड कर जो कमांडो है, और मुझे वो कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का क्या कमांडो, मुझे समझ में नहीं आता, कमांडो है, उन्होंने कंसीड कर दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। पर वो देख उन्होंने देखा नहीं कि उसी दिन मैंने 4 और ऐसे स्टेटमेंट निकाले जहाँ निवर्तमान शब्द मैंने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने मुझे पता चल गया, वो देखते हैं चिढ़ जाते हैं पर जवाब नहीं देते। और हम ये जो सवाल हम पूछा करते थे उसी राज्य से संबंधित था, पंजाब से ही संबंधित, और जहाँ हो सके उसी इलाके का, ये होशियारपुर हो, कलकत्ता हो या मुंबई हो, मतलब जहाँ वो प्रचार के लिए जाते थे उसके लोग। 3 सवाल रोज एक दिन में 4 जगह जाते थे, 12 सवाल एक दिन में, 12 सवाल, क्योंकि यही हमारा, ये एक चुनाव प्रचार का एक तरीका है ना, प्रधानमंत्री को डिफेंसिव बैकफुट में डालने का। बीजेपी पूरा नैरेटिव बना रही है, इतने सारे इंटरव्यूज दिए, इतनी सारी रैलियां की, आप उसके बदले में ये कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका कहना है कि देखिए हर चैनल को, हर संस्था को, सब प्रधानमंत्री, क्या इंटरव्यू है, ये क्या मजाक है, हम सब लोग जानते हैं कैमरा उनका है, सवाल उनके हैं, जवाब उनके हैं, एडिटिंग उनका है, क्या और कैसे सवाल, और ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उस आदमी ने ऐसे एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है, बायोलॉजिकल नहीं हूँ मैं तो भगवान का प्रतीक हूँ। ये क्या बात, एक व्यक्ति इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं उसी दिन मुझे पता चल गया था कि कुछ मानसिक बीमारी भी हो गई है इनको, झूठ की बीमारी तो पहले से ही है पर कुछ मानसिक बीमारी हो गई है। अगर आप बैठे हैं और चैनल में कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का प्रतीक हूँ। छोटे छोटे 2 सवाल आखिरी, एक तो इंडिया गठबंधन का बनना इस चुनाव के लिए कितना मायने रखता है, कि इंडिया अलायंस, एक इंडिया जनबंधन बना, उसका कितना इम्पैक्ट हो जाएगा? बहुत, देखिए इंडिया जनबंधन बनने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ बलिदान दिया। 230 सीट हम लड़ रहे हैं, बस 230 सीट, ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया जनबंधन मजबूत हो। तो इंडिया जनबंधन का बनना जून में 23 को, हालांकि एक व्यक्ति जिनका योगदान था उसके बनाने में उन्होंने खुद पलटी कर दी, पर मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में और पटना में बैठकें हुई, हमने काफ़ी कुछ बलिदान किया, त्याग किया। हालांकि पश्चिम बंगाल में हम ममता जी के साथ सीट बंधन नहीं हो पाया, जनबंधन है पश्चिम बंगाल में, इंडिया जनबंधन विश्वास है चुनाव के नतीजे 100%, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जनबंधन के सरकार में TMC जरूर शामिल हो, बिल्कुल उन्होंने खुद ही कहा है। तो सीट बंधन नहीं हो पाया है, वो सीट बंधन हुआ सिर्फ वामपंथियों के साथ, पर इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जब इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी आप देखेंगे TMC उसका एक स्तंभ होगा। एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ ज्वाइंट कैंपेन किया, अखिलेश के साथ किया, उद्धव ठाकरे के साथ किया, अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों नहीं? नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ किया ना, आपके लीडरशिप ने, मैं ये कह रहा हूँ लीडरशिप ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, नहीं किया क्या? स्वाति मालीवाल ने? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमारे जो पोस्टर छपे थे चांदनी चौक में, हमारे जो पोस्टर छपे थे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, राहुल जी का फोटो था और केजरीवाल का फोटो भी था। वो तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब ज्वाइंट कैंपेन ऑफ लीडरशिप, वो देखिए वो सुविधाजनक नहीं था, वो कुछ शेड्यूल अलग थे। हाँ। उस एक दिन अरविंद केजरीवाल के लिए समय था, उस दिन खड़गे जी बाहर थे, राहुल जी बाहर थे, ये सब शेड्यूलिंग की समस्या है, क्योंकि 3 या 4 ही दिन थे ना अरविंद केजरीवाल के लिए। कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, केजरीवाल जी परसों जेल जा रहे हैं,
आज उन्होंने एक बहुत इमोशनल सा स्टेटमेंट भी दिया है। आपको लगता है कि चुनाव के बाद अब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता वापस जेल चले जाएंगे, किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं और कल की बैठक में क्या रहेगा? नहीं नहीं, कल की बैठक तो इनफॉर्मल मीटिंग है, वेणुगोपाल जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था, हमारे महासचिव संगठन ने कह दिया था कि इनफॉर्मल बैठक है, ये काउंटिंग के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या हमें सतर्क रहने के लिए क्या कदम हमें उठाना है, 4 तारीख को क्या जानकारी हमको हासिल करना है, ये फॉर्म 17C, ये सब इस पर बात होगी। क्या ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी कि अगर सरकार संबंध सरकार बनने की स्थिति, वो 4 तारीख होगा, वो 4 तारीख रात को या 5 तारीख सुबह होगा। ये कल की बैठक जो है ना इनफॉर्मल बैठक है और सिर्फ गिनती से संबंधित मुद्दों है, सरकार बनाने के संबंध में जो मुद्दे उठेंगे 4 तारीख रात को या 5 तारीख सुबह 5 दोपहर को होगा। जयराम जी, आप ही का एक स्टेटमेंट है कि बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी हमेशा, तो उसमें जो मुखिया होगा सरकार का वो कांग्रेस का होना चाहिए। मैंने एक जनरल सिद्धांत हर एक ऐसा गठबंधन होता है जी, पर कुछ ऐसे मौके भी आए हैं कि देखिए मिसाल के तौर से देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन देगी, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है सरकार बनाने के लिए, सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए नहीं बना रही है। हम एक राजनीतिक दल है, सन्यासियों का संगठन नहीं, NGO नहीं है। तो मैंने एक जनरल सिद्धांत दिया था जो पूरी कांग्रेस पार्टी अगर परिस्थिति बनती है, चूंकि आप सब लोगों के, हम लोग तो लगातार आप लोगों के संपर्क की इच्छा है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, व्यक्तियों के बारे में देखिए मैं ना हाईकमांड नहीं हूँ, मेरा कोई दायित्व नहीं है, ये सब ये मुद्दे सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी हैं, वो सब बात करेंगे आपस, अपने जनबंधन के पार्टियों के से भी बात करेंगे, तेजस्वी होंगे, शरद पवार जी होंगे, उद्धव ठाकरे जी होंगे, अखिलेश जी होंगे, तो ये सब उनसे बातचीत होगी। व्यक्तियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। पार्टियाँ ऐसी हैं जो पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, हो सकता है कि NDA के कुछ घटक दल हैं जो इंडिया में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए ना आप NDA और इंडिया के बीच में क्या फर्क है, आपने कभी सोचा है? इंडिया में 2 I हैं। अच्छा। पहला I निकाल दीजिएगा इंसानियत, दूसरा I निकाल दीजिएगा ईमानदारी, तो क्या बचा? इंडिया में से 2 I निकाल दिया आपने, NDA बच गया ना, तो ये लोग आएंगे। मैं आपको कहता हूँ आज सुबह ही 2 NDA के दल के जो NDA में NDA के हिस्सा नहीं है पर NDA फ्रेंडली माना जा सकता है। जी सर। हाँ जी ठीक है। हाँ NDA फ्रेंडली, हाँ जो NDA के साथ उनका संपर्क अच्छा है, उनके नेताओं का मेरा फोन, मुझे फोन आया था, तो क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या ठीक ठाक है, आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसे है, ऐसे ही जनरल बात हुई, अचानक उनका भी फोन आ गया। तो आखिरी में चलते चलते क्या रहेगा, कल आखिरी चरण का चुनाव है और क्या वाकई में कुछ सोचा है, कुछ फिगर आपके दिमाग में है कि यहाँ तक तो कम से कम इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी पहुँचेगी? नहीं नहीं, मैंने कहा स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा, इसका माने नहीं है कि 271, स्पष्ट और निर्णायक माने जो 2004 में जनादेश मिला वही इतिहास दोहराएगा। धन्यवाद जयराम जी दैनिक सवेरा से बात करने के लिए। तो ये थे जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के इंचार्ज, बेबाकी से अपनी सारी बातें कहीं और जो लबोलुभाव है वो ये है कि 4 तारीख के नतीजे के बाद इंडिया जनबंधन की सरकार बनने जा रही है और चेहरा 4 तारीख के शाम के बाद आपस में चर्चा करके तय कर लिया जाएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।